सो फाइनली मैं ब्रह्मास्त्र देखने जा रहा हूँ और आके होनेस्ट रिव्यू भी दूंगा आपको। वैसे मैं मूवी देख भी आया, ये तो इंटर शूट कर रहा था। जब तू भी आ जाती इतनी बड़ी नहीं लग रही है इस दाढ़ी भाई, फ्रेंच लुक देखो भाई की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मौत को छू के तक से वापस आ सकता। सीधे आ गया भाई, ये यहाँ की सबसे महंगी चीज। पैसे दिलवा देना रे बाप। जब मैंने मूवी सुनी थी कैसी है, जब रिव्यू देखे थे लोगों के, मुझे मूवी ऐसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, पर मैंने खुद देखी भाई, इतनी गजब मूवी यार, क्या गजब के VFX। नहीं बस ये कभी कभी बीच में एकदम से गाना चला देते हैं, वो थोड़ा ऑकवर्ड हो लगता है। मैंने भी जब रिव्यू देखी थी मुझे बहुत अच्छी मूवी बेकार लगी थी, पर अब खुद देखिए तो पता चल रहा है कितनी मस्त मूवी है। मैं तो 5 में से 5 के 5 स्टार दूंगा यार, इतनी मस्त मूवी है यार। लोग खुद बोल औरों को बोलते हैं रिव्यू पता नहीं चलता है, मूवी जब खुद देखते हैं तभी पता चलता है। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा आप खुद जाके देख के आएँ और PVR या धंके में जाएँ, फिर बाकी होता रिव्यू करोगे कि अच्छी नहीं थी। VFX बहुत तगड़ी मूवी है यार, मज़ा आ जाएगा। ज़्यादा बड़ा रिव्यू नहीं बताऊँगा मैं, तो बस ये बताना चाहता हूँ मूवी अच्छी थी, आप देख सकते हो। बाकी अब नज़र डाल लेते हैं, कुछ मीम देख लेते हैं ब्रह्मास्त्र के। ब्रह्मास्त्र ही गूगल क्रोम निकला, और ये दिखने तो दोनों सिमिलर लग रहे हैं। पहले लोग कहते थे बॉलीवुड साउथ की कॉपी है, अभी ना कहते क्रोम की कॉपी है। मस्त जोक मारा रे यहाँ। सही बात है, बेचारे VFX टीम का मुंह तो ऐसे ही हो रखा है भाई, कितनी अच्छी मूवी है, कितने तगड़े VFX है, और लोग जब ऐसे रिव्यू देंगे कि VFX बढ़िया नहीं है, तो उनका तो मुंह बेचारों का ऐसा ही होना है। रुला दिया ना बेचारी को। नहीं यार, बेचारी और भी बहुत डायलॉग बोलती है, हम पर वैसे मानना पड़ेगा, वो हर थोड़ी देर बाद शिवा शिवा बोलती रहती है, पर हम तो मोहिनी रॉय को देखने गए थे। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय।